भाई साहब ये देखिए फतेहपुर का दुबई की तरह इसको सजाया गया है, एक तरह का मेला है ये। अभी 5:30 बजे खुलेगा, 5:30 बजे मैं आपको अंदर की सीन दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बाहर से दिखाई दे रहा हूँ इसका सीन कैसे दिख रहा है। सोचिए जब अंदर जाऊंगा तो अंदर की सीन कैसे होगी। वीडियो में लगातार बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि दुबई की तरह इसको कैसे सजाया गया है। जब उसके अंदर की सीन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लग रहा है। ये हमारे नीरज भाई हैं, हमारे साथ में आज घूमने आए हैं। पीछे की सीन आप देख सकते हैं कि अगर बाहर इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर कितना अच्छा लगेगा देखना। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। बाहर से गजब इतना लग रहा है, देखिए अंदर कितना अच्छा लग रहा है, जरूर देखिए। पहले जहाँ मेला लगा पूरी वीडियो में मजा आ जाएगा। ठीक, ये देखिए भाई साहब पीछे देखिए आप, इधर से शुरू है यहाँ तक लगा है। लास्ट के वीडियो में बताऊंगा अगर जो लोग घूमना चाहते हैं इसका पूरा एड्रेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, 5:30 बज चुका है और 5:30 बजने के बाद यहाँ टिकट मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं। साथ में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप दारू पी करके, शराब पी करके, पान गुटखा खा करके अगर अंदर जाते हैं, यानी शराब दारू पान गुटखा खा करके प्रदर्शनी देखना मना है। और इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ जो अंदर लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस, लेडीज पुलिस सादे वर्दी में घूमती रहती है, देख रेख में लगी रहती है। अर्थात सावधानी से मेला देखें और मेला की पूरी प्रदर्शनी देखें। ये बताओ जो टिकट हम लोगों का 30 रुपए का है, जिनके साथ बच्चे आते हैं उनका क्या लगेगा? 5 साल से बड़े का टिकट आपका लगेगा, 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनका सिर्फ नहीं लगेगा। 5 साल के बड़े बच्चे जो भी हैं फुल टिकट लगेगा, उसी तरह 30 रुपए लगेगा। ये टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जा सकते हैं। चलिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है, जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर टिकट दिया जाता है, फिर उसके बाद अंदर जाया जाता है। और बगल में आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस कैंप, यहाँ पुलिस के कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो भी देखिए सादे वेष में बैठे हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों को हमको टिकट देना होता है, ये टिकट यहीं फाड़ देते हैं। चलिए फटाफट टिकट दे करके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का क्या सीन होने वाला है। ये है आपका पहला फ्लोर, यहीं से शुरुआत है, ये वेलकम लिखा हुआ है, स्वागत है आप लोगों का। इधर जो आप नज़ारा देखेंगे, वहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल ऐसे सजाया गया है कि जैसे कि विदेशों में जो पुल होते हैं, लंदन का जो पुल है, बाहर का जो नज़ारा है, यहाँ पर एक यहाँ के मेले में एक बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है। आप जब यहाँ आएंगे तो इस नज़ारे को ओरिजिनल में देख पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में बने रहेंगे तो इस वीडियो के जरिए हम पूरा इस माहौल को आपको दिखाने वाले हैं। और आगे आइए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक लंदन का ब्रिज है, इसको इसी मेले में इसको सेट किया गया है। दरअसल ये मेला जो है फतेहपुर में लगा हुआ है, जो 30 जून से लगा हुआ है, लगभग 1 महीना चलने वाला है। और जो यहाँ से लगा के वहाँ तक का जो सेफ है, ये पूरा विदेशों की तरीके सेट किया गया है। विदेशों के जो बेहतरीन तरीके के जो लुक है इस मेले में सेट करने की कोशिश करी गई है। आप लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरा नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस नज़ारा का लुक देखिए कि जो नज़ारा आप देख रहे हैं, लंदन का ब्रिज है जो इस पे दर्शाया गया है। जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 5:30 बजे की लगभग की है, इस पे जो है दिन का सीन है। जैसे ही रात होगा सारी लाइट जलेंगी, इसका इफेक्ट कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए तो उसका पूरा आनंद तभी मिलेगा कि रात में कैसा लगता है। और ये तो अभी दिन का सीन है, दिन में भी ये तरीके के बड़ा गजब लुक आ रहा है। ये है हमारे कुछ दोस्त जो फतेहपुर के हैं, राधानगर के हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है, चलिए सेल्फी के जरिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग कहाँ से हो? राधानगर से।
सारे लोग फतेहपुर के हैं, इनके यहाँ तो रोज का मेला है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप बताना चाहेंगे तो बता। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, घूमने लायक बहुत अच्छी चीज़ है। ये वीडियो पूरी देखिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़ारे दिखाए जाए। यहाँ पर जो फतेहपुर के लोग हैं ये तो खुद आते ही आते, आप लोगों को भी आना है। यहाँ पे सिर्फ 30 रुपये का टिकट है, ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है। घूमने लगे सोचिए कि आपको दिन का सीन में दिखा रहा हूँ, रात का सीन भी दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक का वीडियो बने रहिए, दिखाऊँगा आपको कि मनमोहक लग रहा है। आप पीछे देखिए, देखो शुरुआत है इसकी, और आगे गया नहीं हूँ, अभी पूरा दिखाऊंगा, पूरा वीडियो बने रहिए। हमारे नीरज भाई आनंद दे रहे हैं, ये हमारे नीरज भाई आनंद दे रहे हैं चारों तरफ का, ये वीडियो शूट करेंगे। ये सागर भाई आ चुके हैं खड़ियाओं से, वाह, ये आ चुके हमारे सागर भाई, हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, टाइम नहीं था इनके पास, बाद में आए हैं। सागर भाई भी लुक का आनंद उठाएंगे। तो सागर भाई क्या बोलना चाहोगे भाई सब्सक्राइबर? हम लोग 11-12 बजे रात के जाने वाले हैं, भाई कहना भाई हमारे साथ चलेंगे रात के 11-12 बजे तक चलेंगे, जो कि पूरा आनंद देख के ही चलेंगे, पूरा वीडियो देखना पूरी। सागर को देखिए, सागर सागर फुल आनंद दे रहा है, नीरज भाई को वो बिल्डिंग के पास खड़े हुए हैं, कुछ खलीफा के नजदीक पहुंच गया मैं, फुल आनंद होने वाला। देखिए भाई का अभी तो जनता आना शुरू हुई है, अभी तो दिन है, रात में पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे कुछ खरीदारी होने वाली। देखिए एक बार चलते हैं भाई साहब, सेल्फी लेने के लिए बहुत सारी जगह है, देखिए फ्रेम एक से बढ़कर एक है, देखिए सेल्फी कितना भी पीछे कोई मना करने वाला नहीं है। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मैंने पहले पूछ लिया था, वीडियो बनाने के लिए कोई मना ही नहीं है, आप आज यहाँ आकर के वीडियो बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होने वाली। देखिए चारों तरफ इतनी बढ़िया बढ़िया पहन दी है सेल्फी खींचने के लिए, देखिए लोग खिंचवा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं। देखिए भाई झूला भाई साहब, देखिए कूदने वाला ज़्यादा ऊपर जाएंगे, देखिए सारी चीज़ें लगी हैं, अभी शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत नहीं हुई बार गोला घूमने वाला ये भी है, शुरू हो चुका, धीरे धीरे शुरू हो रहा है। नाश्ते का स्टॉल लगा हुआ है खाने पीने का, यहाँ पे चल रहा है, मेरा जो है बहुत ही मज़ेदार है,
सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सुंदरता तो है ही है। अभी रात में देखने लाइव वाइट मिलेगी, वीडियो को पूरी देखिएगा, यूट्यूब पर देखिएगा पूरी। मेला देखना हो तो चले आए, 30 रुपये का टिकट है। देखिए यहाँ पे इन बच्चों को हवाई जहाज में उड़ना है, ये है पूरा दिखाओ इसको और ऊपर करो। ये देखिए हवाई जहाज के सेब का झूला, बच्चे बैठे हवाई जहाज। हाँ इधर देखिए, स्विमिंग पूल देखिए, ये 50 रुपये के टिकट में है। देखिए नहाने का भाई साहब सारी सुविधा उपलब्ध है, आप जल्दी कर पाइए, यहाँ यहाँ आइए वरना वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे मेले की सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। 10-12 बजे देखिए पहले जो झूला में है लाइटिंग बड़ी गजब हो रही है। अभी के पहला भी थोड़ा थोड़ा दिन अभी भी है, थोड़ी देर बाद पूरी लाइटिंग का आनंद मिलेगा। आप ये देख लीजिए लाइटिंग का जो आनंद मिलने वाला है इसी तरह मिलेगा। ये अभी थोड़ा दिन है तो लाइटिंग का जो आनंद है अभी इतना कम है, लेकिन जब रात होगी भाई साहब तो इसका आनंद अलग ही होने वाला है। और भीड़ देखिए धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रही है भाई साहब, ये वीडियो बने रहिए और बताऊँगा पूरी जो है जानकारी दूँगा कहाँ का क्या होने वाला है। पूरी वीडियो देखिए, मेला का आनंद लीजिए। देखिए बच्चों का ट्रेन वाला झूला है, इसका मोटरसाइकिल वाला जो भी झूला है उधर दिखाई दे रहा है, स्विमिंग पूल था, हवाई जहाज वाला, हेलीकॉप्टर वाला, सॉरी हेलीकॉप्टर वाला जो झूला था वो भी मैंने आपको दिखाया। और देखिए देखिए भाई साहब लाइटिंग ठीक हो रही है, लेकिन दिन की हुई वजह से अभी थोड़ा लाइटिंग का जो आनंद अभी कम मिल रहा है। देखिए भाई साहब ये जैसे जैसे रात होगी तैसे तैसे इसका लुक बदलता चला जाएगा। मैंने दिन में जो सीन दिखाई उसको रात का सीन कुछ अलग ही होने वाला है भाई साहब। देखिए बहुत तगड़ा मेला लगा हुआ है, अभी वीडियो में मैं पूरी दिखाऊँगा जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें लगी हैं। देखिए इसकी लाइटिंग शुरू हो रही है, ये देखिए थोड़ा दिन है, दिन का थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा अलग अंतर आएगा, अभी जो रात में होगा तो लाइट इसका अलग फर्क डालेगा इसको लेकर। देखना आप वीडियो में लगातार बने रहिए, दिखाऊंगा आपको कि लाइटिंग के साथ इस मेले का जो लुक होने वाला है कैसे लगेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, जब पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी लाइटिंग
सब देखना इस वीडियो पर कि क्या होने वाला है। ये देखिए मेला का आनंद आ रहा है। गुरु जी बढ़िया आनंद आ रहा है। ये हमारे भाई साहब कहाँ पे आया हुआ भाई? कानपुर। तो यहाँ पे मेला आप लगाए हुए? नहीं देखने आए। फतेहपुर यहाँ है कानपुर 100 किलोमीटर से आए भाई साहब देखने आए हैं। भाई साहब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं भी फतेहपुर से कम से कम कानपुर के लोग यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब देखने वाले क्या कहेंगे? ठीक है, मज़ा आ रहा है। हाँ मज़ा आ रहा है। ये देखिए कहाँ से आप भाई? ये भाई साहब फतेहपुर से हैं, ये कानपुर से हैं, ये मेला देखने आए हैं। देखिए इनको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। भाई साहब आप फतेहपुर के हो, ये बताइए रात का जो सीन रहता है ये कुछ इससे कुछ बेहतर रहता है कि इसी तरह रहता है? नहीं, इससे भी बेहतर रहता है। ये रात के कितने बजे तक मेला चलता है? पहली बार आया अभी हम, पहली बार आए, ये पहली बार आए हैं फतेहपुर से, लेकिन पहली बार आए हैं। ये भी आप मेला देख रहे हैं, ये भी आप घर में जाकर बताएंगे कि बढ़िया कितना बढ़िया लुक रहा है इस मेले का, अब कितनी देर तक लगता है, सारी जानकारी इस वीडियो में। मैं भी पहली बार आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो में अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कार वाला झूला है ये देख लीजिए, बच्चों के लिए खेलने का बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये कार वाला है आपका, इसके पहले मैंने जो दिखाया था हेलीकॉप्टर वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, सारे झूले यहाँ पे हैं। बच्चों का फुल आनंद यहाँ पर मिलेगा, आप आइए तो मेले का आनंद अलग होने वाला है। यहाँ पर देखिए झूला उधर वो चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सबसे बड़ी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अभी वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को और ज़्यादा है देखिए ज़रूर। ये एक नज़ारा देख लीजिए भाई साहब, इस मेले में जो है यहाँ पर ऊपर से सरका जाता है, नीचे आते हैं बच्चे, इसमें खेलने का कुछ आनंद अलग ही रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया था एक स्विमिंग पूल उधर है, एक स्विमिंग पूल ये बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। ये स्विमिंग पूल दूसरा है, अभी ये रेडी नहीं है, लोग अभी आए हैं, टिकट वगैरह ना लिया होगा। बाकी स्विमिंग पूल यहाँ पे दो लगे हुए हैं और झूले तो 4-5 से ज़्यादा लगे हुए हैं, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। भाई साहब ये देखिए ये दूसरा स्विमिंग पूल है, ये भाई साहब लगा। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? कहाँ से आए हो? भाई साहब ग्वालियर से आए हैं। यहाँ पर उनका स्विमिंग पूल है, देख लीजिए भाई साहब, एक स्विमिंग पूल उधर है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, खेलने में उनको आनंद मिलता होगा। अभी देखिए कुछ लोग आएंगे तो उनको दिखाएंगे। ये देखिए भाई साहब मेला का आनंद कुछ अलग है। ये पहली बार आप आए हैं भाई साहब? पहली बार आए हैं, लगाएंगे कितनी अभी होने वाली है? हम लोग भी पहली बार आए हैं, मुझको लगता है पहली बार लगाई है, हम लोग पहली बार आए हैं, सारे लोग पहली बार आए हैं, इसका आनंद लीजिए भाई साहब, आनंद आ जाएगा। आप आइएगा जरूर, यहाँ पर आनंद आ जाएगा, इतना बढ़िया बढ़िया लुक है। यहाँ पर सामान भी खरीदने के लिए वहाँ एक तरफ लगा, वहाँ पर भी दिखाऊंगा जहाँ पर सामान मिलते हैं, क्या क्या आज लगा हुआ है ये भी दिखाऊंगा। और जितने दिन मेला है जितनी दुकानें जो लगी हैं वो लगी रहेंगी, कितने दिन बाद मेला ख़त्म होगा ये मैं जानकारी लेकर वीडियो के लास्ट में बता दूँगा कितने दिन लगेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पता लग पाएगा कि कितने दिन मेला लगेगा, किस दिन आप आ सकते हैं। आज 30 जून से लगा है। ये देखिए झूला लगा हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पंजाब से लोग आए हैं, पंजाब से लगा ही झूले का आनंद आप देख लीजिए, वीडियो मैंने आपको दिखाया है। पंजाब से गढ़ग्वालिया से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे मेला लगाने के लिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ कलयुग जो है बड़ा ही आनंदमयी है, आप लोग ज़रूर आएँ। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं क्योंकि
यहाँ पर जो है कि मेला लगा हुए हैं। मुरब्बा वाह, हर तरीके का अचार आपके पास इतना लिखा हुआ है बैनर पे, सारा चीज है भाई। ये कितने दिन मेला लगने वाला है? ये एक महीना चलेगा अभी, और एक महीना 30 जून को लगा था, पब्लिक आती रहेगी तो बढ़ भी जाएगा। और क्या पब्लिक अगर बढ़ेगी तो मेला भी बढ़ सकता है, एक महीने का लगने वाला है भाई। मौका हमको दो पैसा बचेगा तो कौन हार छोड़ के जाएगा।
आपका जो एड्रेस है ये आपका मंडप, ये गेस्ट हाउस है, ये इसका मंडप गेस्ट हाउस है। ये मंडप गेस्ट हाउस के जस्ट इधर थोड़ा से देखें कैमरा भी हिलाता हूँ इससे, ये गेट लगा हुआ है। तीन आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे ही आपको मिलेगा। आप जब भी आइए फतेहपुर में तो मंडप गेस्ट हाउस में आइए, इसके दो कदम पहले ही है। अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, और जैसे सामने देखेंगे आप इसका एक ये मंदिर टाइप बना है, इसका आगे सामने लिखा हुआ चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सामाजिक संस्थान में लिखा हुआ है। और इसके इधर देखेंगे आप सामने ही ये मिलेगा आपको, एक मेला लगा हुआ है। ये भाई साहब हमारे हैं, हमारे दोस्त हैं, अभी मिले हैं, ये भी यूट्यूब में काम करने वाले हैं, बहुत जल्दी करेंगे, मैं इनका सपोर्ट करने वाला हूँ। जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ हैं, तो आप आ रहे हैं तो जो चौराहा पड़ रहा है, चौराहा क्या है भाई साहब? बुलक चौराहा। बुलक चौराहा, बुलक चौराहा से आप जाएँ तो मिल जाएंगे, ये मिलेगा सामने, आप देखेंगे। जो मैंने बताया चक्रवर्ती संघर्ष चंद्रगुप्त मौर्य सामाजिक संस्थान के सामने है।